वाल्मीकि छात्र प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत जी के को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 9 तारीख नवंबर में खनियादाना में हुई घटना, जिसमें वाल्मीकि समाज के तकरीबन 200 घरों में आग लगा दी गई, गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़ों सभी को मारा गया एक झूठे प्रकरण में फंसा कर। उस घटना को ना तो किसी मीडिया ने, ना किसी न्यूज़पेपर ने, ना किसी कोई भी अन्य ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाया, जहां तक कि हमारे लोगों को वो बात खबर पहुंचना चाहिए थी। और वो बात पहुंची महापंचायत के माध्यम से, महापंचायत के बैनर से, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, जिसकी लड़ाई लड़ने में शायद मुझ पर छात्र जी को बताना चाहता हूँ कि 5-7 तो केस लग चुके हैं तो, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने मुझे खरीदने की भी कोशिश की तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, मैं टिकाऊ माल हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुसायी हूँ और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता हूँ। लेकिन खनियादाना में जब 50 मकानों को जला दिया गया, गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़ों को पीटा गया और उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया गया, तब मुझे उनकी आवाज़ उठाना पड़ी। और इसी के लिए मुझे देश राज क्या कहते हैं दंगा फैलाने का, भीड़ उकसाने का, ऐसे कई आपराधिक मामले मुझ पर दर्ज किए गए, क्योंकि मैं उन गरीबों की आवाज़ उठा रहा था। और उस क्षेत्र के विधायक, सांसद और जिस जिले से मैं आता हूँ, वहाँ 7 या 8 मंत्री हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी शासनकाल के, ना वो असेंबली में उठाया गया, ना पार्लियामेंट में उठाया गया। लेकिन दलित अछूतों की बात को कौन करना चाहता है? लगा जब तक संविधान की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे, संविधान को नहीं बचाएंगे और हमारे लोगों को असेंबली तक या राज्यसभा विधानसभा में नहीं पहुंचाएंगे, तो वो मुद्दा उठने वाला भी नहीं है कि कौन करेगा। जैसा कि इन लोगों के शब्दों में ये कहते हैं कि भंगी चमारों की बात को कौन उठाना चाहेगा, कौन अपनी जीभ खराब करवाना चाहेगा। तो मैं आप लोगों से, सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि खनियादाना वाले जो मैटर में, जिसमें 50 से अधिक मकानों को जलाकर बेसहारा कर दिया गया वाल्मीकि समाज के लोगों को, तो उनकी लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ, एक उग्र आंदोलन की तैयारी मैं करूँगा और उस उग्र आंदोलन में आपका मुझे समर्थन चाहिए। जय भीम, जय वाल्मीकि।